आज 12 नवंबर 2022 है। असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं। इस टाइम दरबार हजरत सुल्तान बाहू ते तशरीफ लेके आ चुके हैं। यही जगह है, इसे जगह तो इन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू होना है। दरबार शरीफ की उन्होंने ज्यारत की है जी। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च शुरू होने लगे जी। दरबार हजरत सुल्तान बाहू तो असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं जी। उन्होंने गड्डी थोड़ी देर तो बाद रवाना हो सी। थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इन्होंने गड्डी रवाना हो सी और लॉन्ग मार्च जो जंग का लॉन्ग मार्च है उसका बाकायदा तौर पर आगाज कर दिता हुआ है। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम असद उमर साहब की गड्डी लॉन्ग मार्च तो निकल रही है। और जितने भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन हैं वो बाकायदा तौर पर अज लॉन्ग मार्च का आगाज कर रहे हैं दरबार हजरत सुल्तान बाहू तो। तुम देख रहे हो जी गड्डिया की एक भारी तादाद है। सिक्योरिटी इदारों के अहलकार भी इस जगह पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा भी मौजूद हैं। MPA मोहतरम जनाब राणा शहबाज अहमद खान और MNA मोहतरम जनाब महबूब सुल्तान साहब भी मौजूद हैं। उन्होंने काफले निकल रहे हैं जी। तुम देख रहे हो जी जितने भी मरकजी कायदीन हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो निकल रहे हैं और उन्होंने नाल पुलिस भी है। और ये काफला गढ़ मोड़ कोट बहादुर रोड सुल्तान और उस तू होंदा होया 18,000 और उस तू बाद एक काफला जंग वही सी जी। राणा इम्तियाज साहब साढ़े नाल हैं। राणा शहबाज अहमद खान के भाई हैं। राणा साहब माशाल्लाह बड़ी गैदरिंग और काफला तुसी लेके जा रहे हो। सर की शेड्यूल है, किड़े किड़े रूट तो तुसी जाना और कितने कितने जाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा। दरबार हजरत सुल्तान बहू PP 130 और NA 114 और NA 116 दे विच अज तहसील अहमदपुर सियाल च साडे लीडर असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सैकटरी जनरल तशरीफ लाए ने और साडी तहसील ने भरपूर इस्तकबाल किया वा। इमरान खान के कारवां दे विच शामिल होने लई असी सारे हल्के ने उन्होंने वफा का ऐलान किया वा। इंशाल्लाह ताला इमरान खान ले जान भी हाजिर है इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया राणा साहब, बेस्ट ऑफ लक। राणा साहब जा रहे हैं जी अपने काफले के नाल। अगर मेरा कैमरामैन विकास अगे तो ये जड़ी रोड है, जड़ा रोड है दरबार सुल्तान बहू तो गेलपोर वाली साइड से रोड जाता है। इस रोड पर भी गड्डिया की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। कार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान और उन्होंने वर्करा ने लॉन्ग मार्च का बाकायदा तौर पर आगाज़ शुरू कर दिता है और इस लॉन्ग मार्च का इख्तिताम आज होना है। जंग और जंग दे विच एक बहुत वड्डा चर्ची ग्राउंड दे विच एक बहुत वड्डा जलसा है और जंग दे विच उन्होंने जलसा करना है। सानू मुख्तलिफ गड्डियां मुख्तलिफ लोग नज़र आ रहे हैं और सिक्योरिटी हसार दे विच असद उमर साहब की गड्डी और बाकी जितनी भी क्यादत है पाकिस्तान तरीके इंसाफ दी उन्होंने क्यादत लॉन्ग मार्च की तरफ गामजान है। दरबार सुल्तान बाहू ते ही इस टाइम मैं मौजूद हाँ। दरबार सुल्तान बाहू का इलाका है। अगर मेरा कैमरामैन विखावे तो जड़ी पुलिस है, जंग पुलिस के अहलकार भी उस जगह पर मौजूद हैं और गड्डियों एक मैनेज तरीके इतों गुजारन की कोशिश कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता गड्डियां निकल रही हैं।